हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक, फिर आ चुका हूँ एक नए सफ़र के साथ। और थैंक यू सो मच, आप लोग ने मेरे क्रोशिया सीरीज़ को इतना सारा प्यार दिया। जो लास्ट वाला वीडियो था जॉब का, वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था और बहुत लोग को वीडियो से दिक्कत भी हुआ और बहुत लोग को अच्छा भी लगा कि चलो कुछ चीज़ अच्छा मैं कर रहा हूँ। और बहुत लोग को मिर्ची भी लगी कि ये क्या कर रहा है, इसने सब कुछ डायरेक्ट सबको बता दिया तो लोग धंधा कैसे कर पाएंगे। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा प्यार दिया। और बहुत लोग के ऐसे मैसेज थे कि आप मेरी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो गाइस इतने लोग के DM आ चुके मेरे को मैसेंजर पे, मेरे को पर्सनल आ चुके, इंस्टाग्राम पे आ चुके, कि जो स्टार्टिंग में आए थे मैंने सबको रिप्लाई किया है, मैंने सबसे बात की है। कुछ लोग जिसमें से रिजेक्ट हो गए, कुछ लोग को एंड में जाके दिक्कत आई, तो सबके अपने अपने टर्म एंड कंडीशन थी। तो फिलहाल हमने 1 से 2 हफ्ते के लिए अभी फ़िलहाल जितने लोग हैं उतने लोग ही रखे। एक्स्ट्रा लोग के लिए हमने मेल डाला है एम्बेसी को, जैसे अप्रूवल आएगा उसके बाद हम एक्स्ट्रा लोग का हायरिंग करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं सिटी सेंटर में और आज मैं आपको यहाँ का ओपन मार्केट दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि इंडिया में, नेपाल में हर जगह एक सब्जी मंडी होती है, यहाँ भी ओपन में लगता है जो मार्केट, आपको मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो आज मैं आपको ओपन मार्केट यहाँ का लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे आप सब्जी खरीद सकते हो, फ्रूट खरीद सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खरीद सकते हो। तो आज हम जाएंगे सिटी सेंटर में, जो ज़ाग्रेब का मार्केट है ओपन, वहाँ पे जाएंगे। तो ये एक्चुअली यहाँ पे रेट्स अलग होते हैं और जो आप सुपर मार्केट खरीदते हो उसके रेट अलग होते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए ऐसा ओपन मार्केट लगता है यहाँ पे, तो सबके रेट अलग अलग होते हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या रेट्स है यहाँ पे, क्योंकि मैं भी ऐसा रोज़ आता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, बट कभी मैंने देखा नहीं कि कुछ सस्ता मिलता है कि कम रेट में मिलता है। तो आज देखते हैं। दोबरदान दोबरदान। तो अभी मैं यहाँ का मार्केट है जो आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सब अलग अलग यहाँ पे फ्रूट्स है, ठीक है। तो अभी मेरे को तो आधे के नाम भी नहीं पता, बट एक कैरेट है, कैरेट का एक झुंड कुछ 10 कुना, तो 10 कुना का ये मिलता है। फिर ये ब्रोकलिन है, ब्रोकलिन कुछ 25 कुना, राइट, 25 कुना का रहता है। और फिर व्हाट इज दिस, पेदेस्ट, ये कुछ 50 कुना का है। फिर ये गोभी है जो अगेन 12 कुना की है। ये आप कंज्यूम वंज्यूम में आओगे तो इसका कुछ 14 कुना मिलता है। फिर अपना ये कांदे जिसका रेट कुछ 5 कुना है। तो ऐसे ऐसे सब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है। तो ऐसे ही ये बहुत बड़ा मार्केट है, रेट्स तो एक्चुअली सेम ही है, जो हम मार्केट से खरीदते उससे 2-3 गुना कम है, ज़्यादा तो है नहीं। और बाकी तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है जो कंज्यूम में मिलता है, और भी शॉपिंग सेंटर्स है वहाँ पे मिलता है सेम, यहाँ पे भी मिल जाता है, रेट मोस्टली सेम ही है। और मैं बहुत लेट आया एक्चुअली, तो आधा ख़त्म होने आ गया है। तो और कहाँ जाएंगे हम, तो बाकी फिर आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये संतरा है, ये 1 किलो 12 कुना का है। ये टमाटर है जो 25 कुना का है। ये जामफल है जो 18 कुना के। और स्ट्रॉबेरी है, तो एक्चुअली यहाँ पे ठंडी होती है तो यहाँ पे 15 कुना का स्ट्रॉबेरी मिल जाता है। तो ये फ्रूट्स का मार्केट है। फिर ऐसे ही देखोगे आप अलग अलग मार्केट है। तो आज तो मैं थोड़ा लेट आ गया तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, बट जितना हो सके उतना कवर करेंगे आज। सॉक्स है जो कुछ 70 कुना के है। फिर बच्चे लोग के मोजड़ी टाइप बोल सकते हैं उसको, वो भी आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली ठंडी के कपड़े यहाँ पे महंगे मिलते हैं, आप देख सकते हो पूरे ठंडी के कपड़े, कैप से लेके शॉल से लेके, कैप भी है बहुत सारी। तो अगेन कैप का रेट कुछ 60 कुना है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो ये कुछ जाएगा 160 या कुछ करीब, मैं आपको डाल दूंगा जो भी रेट्स आएगा। फिर ये सॉक्स है, अच्छी क्वालिटी के मोटे सॉक्स है, ये 65 कुना का पैर है। ऐसे ही ये बहुत कुछ है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप आओगे तो डेफिनेटली सिटी सेंटर में ही है, तो आप आके ये चीज़ एक्सप्लोर करना, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, घर के लिए भी मिल जाएगी और कुछ चीज़ आपको जो शॉपिंग करनी उसके लिए भी मिल जाएगी। कुछ हाउ मच फॉर दिस, दिस इज 150 कुना, 350 कुना, यस, इट्स हैंडमेड, इट्स फ्रॉम विंकोवची, ओके, इट्स 50 यूरो, 50 यूरो, राइट, व्हाट अबाउट दिस ऑल थिंग्स, इफ आई वांट टू टेक दिस ऑफ 120 कुना, वी कैन डू बार्गेनिंग ऑन दिस, yeah, possible. No. Yes, everything is possible. Everything is possible, right? It's Croatia. Yeah, this is Croatia, right, right. And if you want to buy this kind of cap, how much for this? It's not winter here. Yeah. Now it's summer, so we don't wear like this, right? It's 90 kuna. 90 kuna. Something 12 euros. Okay. Yeah, 12 but for euros. Next year, you have only euros. You don't have yeah, euros. No, but it will take 20. Changing. No. Are you talking about Senjan, right? Senjan. Senjan country, Croatia is come to Senjan, right? Yeah. But not next year, it will be 24, right?
I don't know. You don't know? Okay. Next one, we use only euros, no kuna. Yeah. definitely. Yeah, it's okay, dollars. How many years you staying here? I don't know. You from Zagreb only? From Vukovar. Vukovar? Where it is? It's something 350 kilometers from Zagreb. Okay, so it's nearby Split? It's from Slavonia. Slovenia. Okay, Slovenia. It's Slavonia. Slavonia. Okay. Yes. It's 20 kilometers, it's Serbia. Okay, it's border, near border. Yeah. I went to Serbia 4 months ago. Yeah. Now I will go again for Exit Fest. Yeah. Do you like trance music? Yeah, it's good. But Croatia have better music. We have Ultra. Ultra. Yeah. It's we have fast something. Sure, something like David Guetta. Yeah. It's like better. EDM, like. Yeah. This is Ultra. Okay, Sutra. No, I saw Ukraine, somewhere a branding of Sutra. I think so. Yeah. Ultra. Okay. Yes. When this happened? Music. When this happened? This you eight Afrojack. 3 days. Yes. 8, 9, okay, 8, 9, 10, like sir, we have Exit Fest, in Croatia we have Ultra Europe Fest. This is the biggest festival of Europe, yeah, right? Yeah, Serbia is not Europe. Yeah, you are correct, Serbia is not Europe. Okay, sure, I will visit this thing. Afrojack, okay, Mark Allen, Meshman, Martin Garrix, oh my god, too many people, DJ Snake. DJ Snake. Oh, too many people. Martin Garrix, Where this happened? Where, which place? Split. Yes. Oh, Split. Okay, I will go definitely. It's something 300,000 people. People from every country. Yep. More people in from Croatia. More drugs, more alcohol. All are crazy. Here is weed is legal in Croatia. Everything is legal here. Everything is but legal. But don't look at cups. No, I see there is small shop of weed. No. Right? Maybe next year coming here hospital for Comuna. I don't know how many this is in English. I don't know. It's go inside. It's okay for drugs. No LSD. Heroin. Cocaine. I can put it in my body. Yes. Absolute legal. No illegal. Legal. Yes. This I don't know. You have 6 countries in Europe. Europe, here. Okay. You have Germans. Niederlandska, it's Netherlands. France, Spania. Oh my god, this I don't know. Yeah. It's very risky, right? It's not for good for health. So basically, bhai sahab ye bata rahe the ki yahan pe marijuana. It's something. €7. 7 euros. 1 grams, maybe 2. 100 kuna, right? That's something like this. 100 kuna, yeah. But something 20 grams, it's 400 kunas. 400 kuna. Yeah, okay. It's good stuff. It's good. Oh, it's okay. Wow. Where are you from? I'm from India. I'm from Bosnia. Bosnia? I'm joking. No, you said me. You are from Croatia. तो बेसिकली भाई ये बता रहे थे कि यहाँ पे सब कुछ लीगल है, आपको ड्रग्स करना हो, एलएसडी हो गया, वो भी बहुत नाम बताए हीरोइन सब, तो आप खुद हॉस्पिटल में जाके ले सकते हो, लीगल है यहाँ पे, वीड भी लीगल है यहाँ पे, सब कुछ लीगल है बेसिकली। और भाई साहब बता रहे थे कि जैसे कि मैं बोल रहा था कि मेरे को सर्बिया जाना है एग्जिट फेस्ट के लिए, तो यहाँ पे अल्ट्रा यूरोप फेस्ट होता है, सबसे बड़ा, लोग बोलते हैं कि बड़ा फेस्ट होता है यूरोप का। इवन मैं जब सर्बिया गया था तब सर्बिया वाले ने सेम ही बोला था कि यूरोप का सबसे बड़ा फेस्ट है, अभी पता नहीं, पर दोनों सेम डेट पर ही है, पर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आने वाले जैसे उन्होंने बताया, तो डेफिनेटली हम जाएंगे, वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो गाइस ये था यहाँ का मार्केट, आप देख सकते हो अभी, मतलब मैं थोड़ा लेट आता हूँ, बहुत खाली हो गया है, बट डेफिनेटली अगर आप 7 बजे आओगे, 7 बजे से लेके 11 बजे तक, तो आपको ये पूरा मार्केट भरा मिलेगा, और डेफिनेटली हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, जैसे भाई ने बताया कि बार्गेनिंग कर सकते हैं। और गाइस आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में लिख सकते हो, और इंस्टाग्राम पे ऐसा है कि अभी बहुत सारी क्वायरीज है, तो मैं जैसे फ्री होता तो जो टॉप पे होता उनको मैं रिप्लाई करता हूँ, हर किसी को तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी काम करना होता है, कुछ लोग
बुरे भी मिलते हैं, कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं। अब डायरेक्ट में ये इशू कि हम एजेंट तो है नहीं, हम ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो टर्म एंड कंडीशन चेंज होती रहती है। आई होप आप समझोगे क्या दिक्कत होती है, क्योंकि हम पहली बार सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। अगर एजेंट होता तो बात अलग है कि हाँ हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता मुझे, पर हमारे लिए भी हर चीज़ नहीं है। कभी कभी टर्म एंड कंडीशन चेंज भी करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था हमारे साथ इसलिए। और इसमें दो तीन लोग बुरे लोग मिले थे जो गाली से भी बात करते। दोबरदान। तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको काम आएगी, और बहुत जल्द मिलूँगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहना, सेफ रहना, और दुआओं में याद रखना।